गाइस, आप सभी कैसे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल रहेगा, जिसमें हम प्रूफ के साथ रीड करने वाले हैं, मीन्स एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जो एक साइंटिस्ट था, ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें एक कंडीशन आई थी जिसमें जो डीएनए है, जो बायोकेमिकल है, वो क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वही जगह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, तो उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, तो ये दो नाम से ये एक्सपेरिमेंट आता है, एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन और एक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जिसके बेस हम ये पता लगाएंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। नॉर्मली हम डीएनए को डिस्कस कर चुके हैं, तो डीएनए के ऊपर हमने पढ़ा था ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, यस और नॉट, डबल स्ट्रैंडेड है। इसके ऊपर जीन होते हैं, यस और नॉट, कंफ्यूजन तो नहीं हो ना। तो ये जीन है, जीन क्या है, उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन होने के चांस बढ़ जाता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा मेन मकसद यही है कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े से क्लियर हो जाए, आपका माइंड उन चीज़ों के लिए बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है ना। तो स्ट्रेट फोकस करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो उससे पहले कुछ तीन मैंने पॉइंट लिखे हैं, उनको आपको एक बार रीड करना है, बहुत ही मेन पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें मैंने बात लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ जीन, प्रोडक्ट के जो जीन होते हैं, ठीक है ना, वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। किससे भाई, पॉलीपेप्टाइड, बट वो एंजाइम्स की फॉर्म में नहीं होते। कौन, जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ जीन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉट द एंजाइम। फिर मैं नेक्स्ट लाइन बताता हूं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स कंसिस्ट, जितने भी एंजाइम्स हैं वो पेप्टाइड चेन के बने होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे जो पेप्टाइड चेन है वो एक तरह जीन बना रही है, यहाँ पे जो एंजाइम है वो भी पेप्टाइड चेन के द्वारा बना जा रहा है, तो इसमें डिफरेंस कैसे हुआ। तो थर्ड लाइन को समझना है और माइंड क्लियर हो जाएगा। अब देखिए द प्रोटीन सिंथेसाइज, जो प्रोटीन बन रहा है बाय जीन, जो डीएनए के ऊपर जो जीन होते हैं ना, वो प्रोटीन बनाते हैं भाई। मैंने आपको एक बात बताई थी, डीएनए से आरएनए बनता है भाई, बनता है कि नहीं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये जो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन, तो इसकी जो डीएनए के ऊपर जो जीन थे, डीएनए के ऊपर क्या भाई, ये जीन है ना, तो जीन क्या कर रहे हैं, एक सिक्वेंस को फॉलो करते हुए जीन के द्वारा प्रोटीन बनाया जा रहा है। डीएनए पूरा कंप्लीट प्रोटीन के अंदर नहीं बनता, उसके ऊपर जो जीन होते हैं ना वो कन्वर्ट होते हैं, जीन से प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है, और वो किसके अंदर बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो फंक्शन जो होते हैं बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जो भी डीएनए के द्वारा, जो जीन के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जा रहा है, प्रोटीन क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जो उनको डीएनए के द्वारा ही मेंटेन कंट्रोल किया जाता है। और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं, और जीन उनको फॉलो करता है, करवाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, तो आपको ये याद रखना है कि जीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, एंजाइम क्या है, पेप्टाइड चेन होती है ये भी, लेकिन इनमें डिफरेंस कैसे करना है, एंजाइम्स के अंदर और जीन के अंदर, दोनों पेप्टाइड चेन है लेकिन उनमें डिफरेंस आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कोई पूछे तो, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मली जो स्वीट्स खाते हो, मिठाई खाते हो, बर्फी खाते हो, है ना, रसगुल्ले खाते हो, दोनों मीठे, नॉर्मल शुगर खाते हो, वो भी स्वीट्स मीठी होती है ना, लेकिन उनके अंदर अलग अलग रेशो जो होता है शुगर का, मिठाई का, वो हमें अलग अलग दिखाई मिलता है। आप नॉर्मली रसगुल्ले होते हैं वो बड़े अच्छे चाव से खाते हैं, है ना, मजा भी आता है खाने में, बट नॉर्मली शुगर उसको मुट्ठी भरे खाने खाओ, मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जो रसगुल्ले में आ सकता है, जो बर्फी में आ सकता है, वो नॉर्मल शुगर में नहीं आ सकता, लेकिन तीनों मीठे हैं। तो आप एक बार सोच के देखना कि कैसे हम इन चीजों को अलग अलग डिफरेंस कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कंडीशन है वो हमें अलग अलग दिखाई देती है। अब बात करते हैं ग्रिफ्थ साइंटिस्ट के पास आते हैं, और ग्रिफ्थ साइंटिस्ट ने क्या कहा था और कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ग्रिफ्थ जो साइंटिस्ट था, वो जब इन चीजों को कंक्लूड कर रहा था, बहुत सारी बातें आई, तो उसने एक पॉइंट निकाला। उसने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई केमिकल्स है जो कि ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसके बारे में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उसने लिया है बैक्टीरिया, क्या लिया भाई, बैक्टीरिया लिया, ठीक है ना। तो ये कब हुआ एक्सपेरिमेंट, 1928, ठीक है ना।
ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला? ग्रिफ के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया था 1928 के अंदर, और एक्सपेरिमेंट में उसने एविडेंस किया था द जेनेटिक मटेरियल इज ए पार्टिकुलर केमिकल, कि जो जेनेटिक मटेरियल है कि पार्टिकुलर कोई केमिकल्स है, और केमिकल कौन सा है? डीएनए है, प्रोटीन है, उस बेस पे उसने जेनेटिक मटेरियल को, तो उसने बताया है जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। वो कैसे लगा उसके बारे में हम बात करने वाले। तो उसने सबसे पहले क्या किया? बैक्टीरिया लिया। कौन सा टाइप का लिया भाई? उसके बारे में हम, तो उसने लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया, ठीक है भाई। ये क्या है? एक बैक्टीरिया। क्या भाई? ये एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब उसने क्या किया, इस बैक्टीरिया को उसने, अच्छा इस बैक्टीरिया की वजह से जो मैमल्स होते हैं उनके लिए डिजीज होती है, और वो डिजीज होते हैं निमोनिया। क्या है भाई? निमोनिया डिजीज का काज करते हैं ये बैक्टीरिया, और डिजीज से जो एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनके अंदर डिजीज होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है निमोनिया डिजीज। ये कौन सी डिजीज काज करते हैं? निमोनिया डिजीज डेथ काज निमोनिया इन मैमल्स। किसके अंदर भाई? डेथ क्या कर रहे हैं? डिजीज काज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया। अब बात आती है जो डिजीज काज कर रहे थे मैमल्स के अंदर, तो उसके डेथ भी हो रही थी डिजीज़। तो उसने एक्सपेरिमेंट के लिए मैमल्स लिया, और मैमल्स कौन से लिए भाई? माइस लिया। कौन सा मैमल्स लिया? माइस। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है। अब उसने जो इन दोनों चीजों को लेकर, उसने बैक्टीरिया प्लस माइस, अब उसने कि बैक्टीरिया को जो एक कंडीशन आती है स्टेन, तो उसने दो टाइप के बैक्टीरिया, दो स्टेन बनाए। क्या बनाए भाई? दो टाइप के स्टेन। बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। क्या है? द बैक्टीरिया, क्या है? जो बैक्टीरिया है वो अकर इन टू स्टेन, क्या भाई? टू स्टेन। कौन कौन से भाई? फर्स्ट बैक्टीरिया कौन सा था? स्मूथ फॉर्म, ठीक है ना, बताऊंगा कैसे स्मूथ फॉर्म, क्यों स्मूथ है क्यों नहीं, ठीक है ना। दूसरा है रफ, ठीक है ना। स्मूथ क्यों बोला और रफ क्यों बोला भाई? दो टाइप के बैक्टीरिया कैसे आ गए? तो उसने कहा जो स्मूथ फॉर्म था उसके ऊपर पॉलीसैक्राइड की लेयर थी, मतलब सेल वॉल, पॉलीसैक्राइड्स। क्या होते पॉलीसैक्राइड्स होते ना? कैप्सुलेटेड बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। और ये क्या था? नॉन कैप्सुलेटेड। इसके ऊपर लेयर सेल वॉल एक तरह से नहीं होती थी, इसके ऊपर कैप्सूल था, एक लेयर थी, ठीक है ना। आपने यदि बैक्टीरिया नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो बना चुका हूं बैक्टीरिया के ऊपर, बहुत अच्छी वीडियो है, और बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आने के चांस रहते हैं और आते भी हैं रिलेटेड, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है उसके अंदर, मैंने जो मेटेरियल डाला है उसके अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी रीड कर लेना, देख लेना एक बार पीछे जाके, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें जो स्मूथ फॉर्म है उसके अंदर पॉलीसैक्राइड कैप्सुलेटेड लेयर होती है, जो रफ फॉर्म है उसके अंदर नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब एक में लेयर है एक में लेयर नहीं है, पता समझ में आ रहा है। तो उसने क्या किया, जो स्मूथ फॉर्म है और रफ है उसको उसने उसके अंदर माइस के अंदर, तो दूसरा उसने दो चीजें ली थी, एक तो पहला ये था और दूसरा ये है, दो चीजें ली थी। अब उसने क्या किया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उस दो टाइप की ली, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वन बाय वन उसने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो हम एक डायग्रामेटिकल बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, यदि आपको कोई कंफ्यूजन आती है, ठीक है ना, या कोई प्रॉब्लम आती है समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो आप, मैं डायग्राम बना रहा हूं अभी। अब उसने क्या किया, ये जो स्मूथ है, ठीक है ना, स्मूथ में डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो, स्मूथ को उसने इंजेक्ट कर दिया,
कर दिया इंजेक्ट, किसके अंदर? इनटू माइस। जैसे ही किया तो माइस क्या हो गया? डेड हो गया भाई। जैसे ही स्मूथ टाइप का बैक्टीरिया था माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस क्या हो गया भाई? डेड हो गया। अब हमने दूसरा लिया रफ, ये हमारे पास है पहला पॉइंट। अब हमने लिया रफ बैक्टीरिया, रफ बैक्टीरिया को हमने इंजेक्ट किया, जैसे इंजेक्ट किया माइस लाइव सरवाइव कर रहा था, माइस क्या कर रहा था भाई? सरवाइव कर रहा था। समझ में आ रहा आपको माइस? अभी देखो समझ में आ रहा आपको, यहां पे क्या हुआ डेड और यहां पे सरवाइव कर रहा है, लाइव है ना, तो डिफरेंस आ गया ना आपको। पीछे पर याद रखना है एक कैप्सुलेटेड था सेल वॉल प्रेजेंट थे, एक में अब्सेंट थे। तो एक अब्सेंट प्रेजेंट बेस हम उसको नेगेटिव और पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं टाइप के, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, उसमें सेपरेट करते हैं। तो रफ इंजेक्ट किया माइस के अंदर डाला। अब बात आती है स्मूथ को, हमने एक और किया स्मूथ के अंदर, हमने कुछ बैक्टीरिया जो एटिंग किया ठीक है ना, एक कंडीशन उसने अप्लाई कर दी, तो ग्रिफ्स ने क्या किया? वाज एबल टू किल बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या क्या किल करने की कोशिश, किससे भाई? बाय हीटिंग। किससे भाई? किसने? ग्रिफ्स ने ठीक है ना, बाय हीटिंग उसने क्या है बैक्टीरिया किल किया, कौन से टाइप को? एस टाइप के। हम उसने क्या क्या है ठीक है ना, अब उसने क्या किया? एस स्ट्रेन लिया भाई। जस्ट स्ट्रेन था उसको क्या किया? स्मूथ बैक्टीरिया जो स्ट्रेन था फिर इंजेक्ट किया, आप देखो जैसे ही इसको हम प्लस में लिख रहा हूं यहां पे अलग से, हीटिंग किया था इसको, तो हीट करने से ये डीनेचर हो गया भाई, और इंजेक्ट किया तो अभी जो माइस है वो सरवाइव कर रहा है ठीक है। माइस क्या कर रहा है? लाइव है। स्मूथ स्टेन पहले जो डेड कर रहा था, अब हीटिंग करने के बाद वो क्या कर रहा है? जो इंजेक्ट किया तो माइस जो है वो क्या गया? लाइव कर रहा है। अब हमने क्या किया? रफ लिया भाई, रफ को भी हमने स्टेन किया, हीट किया इसको, इंजेक्ट किया, और यहां पे हमने इसको भी क्या किया? हीट किया भाई। हीटिंग करने के बाद, हीट देने के बाद उसके अंदर डाला ठीक है ना। अब देखो ये जो रफ था अभी भी क्या कर रहा है? ये माइस लाइव कर रहा है, मतलब एक बात हमारे पास समझ में आ गई कि हमारे पास जो रफ है यहां पे और यहां पे बिना हीट के भी और नॉर्मल हीट के भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन स्मूथ को जब हमने नॉर्मल कंडीशन में डाल रहे थे, इंजेक्ट कर रहे थे माइस के अंदर, तो वो उसको डेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही हीट किया वो उसको लाइव कर रहा है, तो चेंज आ गया इन दोनों के अंदर, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया, वो सेम का पहले भी लाइव था अब भी लाइव है ना। समझ में आ रहा आपको? यहां पे भी लाइव कर रहा है, यहां पे भी लाइव कर रहा है, लेकिन यहां पे डेड था, यहां पे लाइव कर दिया इसने, क्योंकि उसने हीट कर दिया, तो मींस यहां पे जो बैक्टीरिया था उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आया। मैं बताऊंगा क्या चेंज आया था ठीक है ना, क्या चेंज आने की वजह से उसके अंदर क्या है, वो माइस लाइव हो गया, क्यों? मींस जो पहले वाले करेक्टर थे वो क्या हो गए? डीनेचर हो गए, जो उसको मार रहे थे, अब वो क्या हो गया? डीनेचर हो गया, रीनेचर नहीं है, वो डीनेचर आएगा, वो बताऊंगा कैसे आया। तो यहां पे वो डीनेचर हो गया हीटिंग करने से, क्या हो गया? डीनेचर हो गया, मतलब उसका जो बॉडी फंक्शन है, बॉडी जो सेल है, तो पहले जो फंक्शन कर रही थी वो अब पहले वाला फंक्शन नहीं कर रही है। समझ में आ रहा आपको? तो जो चेंजेस आया है वो किसके लिए आया? हीटिंग करने से, क्या भाई? हीटिंग। अब नेक्स्ट करते हैं, अब हमने क्या किया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया। यहां पे हमने जो ये वाला पॉइंट है ध्यान से देखना भाई, ये वाला और नॉर्मल वाला, इन दोनों को हमें प्लस करके डालना है बॉडी के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना भाई ठीक है। हमने क्या किया? स्मूथ
यहां पे हमने लिख लिया स्मूथ प्लस रफ, रफ लिया, लेकिन यहां पे जो स्मूथ लिया था वो कैसा था भाई, हीटिंग वाला ले लिया हमने, कैंसिल लिया है हीटिंग वाला, और रफ क्या है नॉर्मल, क्या है नॉर्मल। अब हमने क्या क्या इंजेक्ट किया है, इंजेक्ट, अब देखो एक नया रिजल्ट आने वाला है हमारे पास, और वो क्या आएगा, माइस डेड, माइस क्या हो गया डेड हो गया भाई। क्या समझ में आया आपको कि यहां पे ये डेड कर रहा था लेकिन यहां पे इसने क्या कर दिया, डेड नहीं कर रहा था, यहां पे ये डेड नहीं कर रहा था, यहां पे भी ये डेड नहीं कर रहा था, यहां पे भी ये डेड नहीं कर रहा, लेकिन इस कंडीशन में डेड कर रहा था जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल में रह के भी क्या है दोनों कंडीशन में, लेकिन यहां पे जब वो हीटिंग वाले के साथ रफ वाला जो कि उसको डेड नहीं कर रहा था, ये मैंने ये कंडीशन उठाई है, मैंने कौन कौन कंडीशन उठाई है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को मैंने प्लस किया है, क्या क्या भाई प्लस किया इन दोनों, इस वाली कंडीशन को, इस वाली को, और जो हीटिंग हुआ था स्मूथ जो कि लाइव करने लगा था, उन दोनों को, जैसे इन दोनों को मिक्स करके उसने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और माइस के अंदर नया रिजल्ट देखने को मिला, जो कि उन दोनों का अलग अलग डाल रहे थे, मैं सीधे से भाषण बोल रहा हूं, उन दोनों का अलग अलग डाल रहे थे तो वो सर्वाइव कर रहा था, लाइव था, बट जैसे उनको मिक्स कर डाला हीटिंग वाले को जो कि डीनेचर वाला कंडीशन था, और जो एक पहले से कंडीशन उसकी अलग थी जो कि सर्वाइव कर रहा था, लाइव कर रहा था इंजेक्ट डालने पर, अब दोनों को जैसे डाला तो उन्होंने नया रिजल्ट दे दिया, माइस डेड हो गया। ये सब कैसे हुआ है, ये कंडीशन कैसे बनी है, मींस इसमें हमारे पास एक नॉर्मल एक बात आती है, मींस इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, मींस जो कंडीशन, ये क्या हुआ था, अब मैं बात आता हूं, यहां पे क्या था वो नेचर में था, ध्यान से देखना, नेचर में है मतलब काम कर रहा है, ये भी नेचर में है, ये भी नेचर में, ये डीनेचर हो गया भाई, यहां पे क्या हो गया डीनेचर, अब फंक्शन नहीं कर रहा है, कर रहा था यहां पे, जो यहां पे फंक्शन कर रहा था हीटिंग करने से क्या हो गया डीनेचर हो गया था ना, ये वाला ऐसा नो, ठीक है ना, अब यहां पे ये क्या है, ये तो वैसे वैसे ही काम कर रहा है हीटिंग में भी और नॉन हीटिंग में भी, अब लेकिन दोनों को कैसे हीटिंग वाले को और नॉन हीटिंग नॉर्मल को हमने जब मिक्स किया तो यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इन दोनों के अंदर कोई ना कोई चीज ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर, और उनकी जैसे क्या हो गया, इसके जो स्मूथ वाला जो करेक्टर था वो क्या डीनेचर से वापस क्या हो गया रीनेचर हुआ है यहां पे, ये समझा, रीनेचर यहां पे क्या हुआ है डीनेचर से वो रीनेचर हो गया, किसकी वजह से हुआ, इस रफ ने कुछ ना कुछ उसको दिया है एक्टिवेट करने के लिए, या तो स्मूथ से रफ में आया है या रफ से स्मूथ के अंदर कोई चीज ऐसी ट्रांसफर हुई है जिसकी वजह से वो काम करना स्टार्ट हो गया। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था डीएनए के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कुछ टाइम के लिए डीनेचर हो जाता है, जैसे उसको नॉर्मल चीज मिलती है, नॉर्मल कंडीशन मिलती है, वो वापस रीनेचर हो जाता है, तो यहाँ पे हमें हीटिंग करने से जो स्मूथ स्ट्रेंथ था, जो काम कर रहा था, डेड कर रहा था, वो हीटिंग की वजह से रीनेचर हो गया था, और रीनेचर होने के बाद जैसे वो रफ के पास गया तो उसे डीएनए को एक एनवायरमेंट मिल गया, और वापस वो डीएनए किस में आ गया, रीनेचर में आ गया, और रीनेचर में आने की वजह से जो स्मूथ का डीएनए रीनेचर हो गया, और रीनेचर होकर जैसे हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया और माइस क्या हो गया डेड हो गया, क्योंकि इसका डीएनए काम करना स्टार्ट कर दिया जो कि डीनेचर था, लेकिन जैसे रफ का जो रफ ने उसको कंडीशन अप्लाई की और माइस क्या हो गया डेड हो गया। समझ में आया आपको, मैं थोड़ा सा और बताता हूं, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसके बाद 1933 और 1944, इसके बाद एक बार मैं इसको फिर समझा रहा हूं थोड़ा सा एक बार हटाके, ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। लास्ट का याद रखना है, ठीक है, लास्ट को उठा के बताने वाला हूं ये कैसे। लास्ट में हमने क्या लिया था, स्मूथ प्लस रफ स्ट्रेन, और जो रफ स्मूथ लिया था वो कैसा था भाई, हीटिंग हीटिंग वाला था, हीट किया हुआ,
है ना, जो रेगुलर हेमिस्फीयर के। अब इन दोनों के बीच में कुछ हुआ और इससे जो माइस है वो डेड हो गया। रिपीट कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन। मींस मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, जो डीएनए के अंदर एक एबिलिटी होती है वो डीनेचर होने के बाद डीनेचर होने के बाद वापस क्या हो जाता है, रीनेचर हो जाता है। क्या होता है भाई, रीनेचर हो जाता है, मतलब वापस पहली वाली कंडीशन में आता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है डीनेचर से रीनेचर में आने की, ये डीनेचर में था क्योंकि क्यों चला गया भाई, हीटिंग करने से इसका डीएनए, उसकी बॉडी है, सेल वॉल है, वो सब कुछ क्या हुआ, हीट किया, वो खत्म हो गया। लेकिन जो डीएनए था, ध्यान से देखेंगे, डीएनए था जैसे उसको इन्वायरमेंट मिला रफ में, वो वापस क्या हो गया, रीनेचर हो गया। यहां पे उसने क्या करे थे, हीटिंग करे थे, डीनेचर हो गया था। लेकिन जैसे डीएनए को रफ में इन्वायरमेंट मिला, वापस क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, रीनेचर हो गया। ये पॉइंट पकड़ना है। और रीनेचर में जो उसका फंक्शन होता है वो वही करेगा। उसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, उस डीएनए ने अपना काम करना स्टार्ट किया और उस मैमस के अंदर वो डिजीज कर दी, निमोनिया, और वो माइस क्या हो गया, डेड हो गया। तो सब इजी है ना, बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये डीएनए है वो जो ट्रांसफर हो गया है, डीएनए जेनेटिक, डीएनए ही क्या हो, जेनेटिक मटेरियल हो, और वो डीनेचर से रीनेचर भी हो सकता है। और उसको बोला जब वो इस जगह से इस जगह जाता है तो उसको डिस्क्रिप्शन बोला ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया उसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये यहां से ही निकल के आया है। उसको तीन नाम से पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करो, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या है, या ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन अप्लाई कहां पे होती है। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं, तीन वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है। और एक चौथा जो है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये एक्सप्लेन आपको विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, आपको किसने दिया, किसने बताया, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो आप इस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट से आपको उसको बताना है। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर बने रहिए, ठीक है ना। मैं एक और बता देता हूँ, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आए, बाकी बताता हूँ। नॉर्मली बताता हूँ, 1933 और 1944 के बिटवीन तीन साइंटिस्ट आए, ऑसवाल्ड एवरी कॉलिन मैक्लोइड, एवरी मैक्लोइड और मकार्टी। और उन्होंने भी डिटरमाइन किया कि जो डीएनए है, इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्सपेरिमेंट का डिटरमाइन किया था, और उन्होंने बताया था कि जो हेरिडिटी जो केमिकल है या बायो, उसको हेरिडिटी जो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है, एक बायोकेमिकल है, और वो बायोकेमिकल क्या है, डीएनए। तो उसके बारे में उसने, उन तीनों साइंटिस्टों ने बताया था 1933-44 में, बता चुका हूं पहले भी, ठीक है ना, इनके नाम बहुत पहले भी, एवरी मैक्लोइड और मकार्टी, तीन साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड लक, टेक केयर, और लाइक कमेंट जरूर करके जाना, ऐसे ही मत जाना, ठीक है ना। गुड लक, टेक केयर।